नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ छवि। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। संभल के जिला संयुक्त चिकित्सालय में उस समय हंगामा खड़ा हो गया जब एक महिला मरीज ने ओपीडी में तैनात महिला डॉक्टर पर हाथापाई और अभद्रता करने का आरोप लगाया। इस दौरान अस्पताल में काफी देर तक हंगामा रहा। हालांकि अस्पताल सीएमएस के आश्वासन पर पूरा मामला शांत हुआ। मरीज के साथ अभद्रता और हाथापाई का पूरा मामला संभल जिले के जिला संयुक्त चिकित्सालय का है, जहां एक महिला मरीज अस्पताल की ओपीडी में खुद को दिखाने आई। आरोप है कि ओपीडी में तैनात महिला डॉक्टर ने महिला मरीज के साथ मारपीट की और अशोभनीय भाषा का प्रयोग किया। इसके बाद महिला मरीज और उसके तीमारदारों ने अस्पताल में हंगामा खड़ा कर दिया। हालांकि काफी देर बाद सीएमएस डॉक्टर अनूप कुमार अग्रवाल के आश्वासन पर पूरा मामला शांत हो सका। संभल से हमारे संवाददाता विकास ओहल्यान की रिपोर्ट। मैं आपका भूरी कहाँ आई, क्या हुआ था अभी आपके? अभी मरीज दिखाने लेकर आए थे हम। मरीज हम गए थे चल जाओ यहाँ से, वही मरीज में देख लिया कुर्सी पर उतर उठा ही है बाहर चला दे। किसने चलाया ये? मैडम ने। मैडम कौन है? क्या नाम है उनका? डॉक्टर है आप? हाँ, दुकानी ने। अच्छा, आप किसको लेकर आई थी? मरीज कौन है आपका? भतीजी को लेकर आई थी मैं। हैं? अपनी भतीजी को लेकर आई थी। क्या नाम है उसका? जेवा। जेवा को लेकर आई थी। हाँ। तो मारपीट की आपके साथ? मारपीट करी हमारे साथ में। और डॉक्टर ने क्या कहा? डॉक्टर साहब, अस्पताल में जो ओपीडी चिकित्सक पर आरोप है कि उन्होंने एक महिला मरीज के साथ मारपीट की है, थप्पड़ जड़े हैं उसके, तो क्या कहना है उसको लेकर? नहीं, ये आरोप तो उनको निराधार है। वो ओपीडी में महिला आई थी और उसको दूसरी महिला डॉक्टर ने देखा था और वो कहा था कि आपको हेपेटाइटिस सी है पर अभी आपको दवा नहीं लेनी है, आप एक बार जाके डॉक्टर साहब को दिखा दीजिए। मुझे लगता है शायद वो जो दिन डॉक्टर साहब के पास गई थी तो वो पहले से मरीज देख रही थी। मुझे लगता है शायद उनको कुछ जल्दीबाजी थी या कुछ था, तो इसी बात में शायद उन्होंने कुछ अभद्र भाषा का प्रयोग किया डॉक्टर से या क्या किया, तो थोड़ा बहुत उसी में कुछ कन्फ्यूजन हो गया। और उसके बाद में मैं वहाँ खुद गया तो दोनों को, डॉक्टर को भी समझाया और मरीज को भी समझाया, बात खत्म हो गई। ऐसी कोई थी नहीं, थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता है कभी कभी, पर ऐसा कोई विशेष प्रकरण नहीं, कोई मारपीट हुई ऐसी कोई। हमारे फेसबुक पेज को लाइक, फॉलो और शेयर करें, साथ ही यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ताज़ा खबरों के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।